एबीसी सीमन स्टेशन वेरावली। राजीव सरपंच सर हैं आंध्र प्रदेश वेरावली से, और उन्होंने जो एबीसी सीमन बैंक खड़ा किया उसमें अभिमन्यु बुल का डायरेक्ट रिजल्ट यहां पर दिखाते हुए, उन्हीं के फार्म पर लाडली जो पहले ब्यांत की जो झोटी है, अभिमन्यु की जो बेटी है उसकी मिल्किंग इस वीडियो में आपको सुस्पष्ट दिखाएंगे। तो फर्स्ट टाइमर ये है, होम ब्रिड है, घर पर ही पैदा हुई, इसकी जो माँ है वो भी इन्हीं के पास घर पर पैदा हुई थी। तो ये सेकंड जो पीढ़ी है उस पर घर की तैयार की हुई उनकी नस्ल है। तो ये देखें, उसकी जो माँ है अभी फोर्थ लैक्टेशन में है और राजीव डेयरी फार्म पर ही इसका भी जन्म हुआ था। तो अभिमन्यु जो बुल है काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड के साथ तकरीबन 5700 किलो दूध, और ये जो वीडियो है ये उन्होंने ईमेल पर पोस्ट की थी। छह बजकर 1 मिनट है, शाम का समय है कल, और लाडली जो है फर्स्ट टाइमर अभिमन्यु की बेटी, आप चेहरे की बनावट देखें, सिंगों की बनावट देखें, फादर की जो हूबहू ये कॉपी आई है। तो 2013 के आसपास जब 25 लाख की लक्ष्मी भैंस को आंध्र प्रदेश वाले जब खरीद कर लेकर के गए थे राजीव सरपंच, तब काफ़ी चर्चाएं हुई थी, अखबारों की सुर्खियों में वो आई थी कि 25 लाख की कोई भैंस बिकी है। तो हरियाणा वासियों ने उस समय काफ़ी अचरज किया होगा कि आंध्र प्रदेश वाले 25-25 लाख की भैंस का करेंगे क्या। तो ये देखें, फोर साइटेडनेस या दूरदृष्टिता उस समय इनके पास जो थी कि नस्लों को विकसित करने के लिए समर्पण और आपको अच्छी कीमत देनी पड़ती। तो ये देखें, अभी वहाँ पर गर्मी काफ़ी है, जो कि फोन पर वार्तालाप के दौरान पता चला था। राजीव सरपंच ने जो बताया था कि तकरीबन 40-41 डिग्री टेम्परेचर अभी है, और उच्चतम जो दूध इसका दर्ज किया गया वो एक समय का 9.5 किलो के आसपास ये चल रही थी। तो तकरीबन 19 किलो दूध के आसपास, और अभी गर्मी होने की वजह से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट किया है। वो आप वीडियो के अंत में जरूर देखें कि कितना दूध सुस्पष्टता के साथ इसने दिया है। तो एबीसी सीमन बैंक वेरावली जो है आज आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर पिछले गत वर्षों में वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी जो थे वो भी यहाँ पर पधारे, और उन्होंने यहाँ पर जो नस्लों का विकास होते हुए जो देखा तो वो भी काफ़ी प्रसन्नचित होकर के गए थे। तो इस तरह की नस्लें सत्यता के साथ खड़ा करना कोई हंसी खेल नहीं है, ये काफी कठिन एवं जटिल और सेवा समर्पण का कार्य है। तो एबीसी सीमन बैंक के जो सीमन हैं, अभिमन्यु बुल उनका एलीट और तकरीबन प्रोजेनी टेस्टेड बुल है, इसी प्रकार से भीम बुल जिनके बच्चे फर्स्ट टाइमर 18-19 किलो दूध के आ रहे हैं। तो ये देखें, खाली बाल्टी इन्होंने जो दिखाई बहुत बढ़िया सुस्पष्ट। तो गूगल से समय लिया गया है, 6:01 का समय था कल संध्या की, आज सुबह की भी उन्होंने मिल्किंग जो है 6 बजे के आसपास की वो भेज दी है, वो भी कुछ देर बाद पोस्ट करेंगे। और ये देखिए, धार जरूर दी गई है। तो अभिमन्यु जो बुल है 5700 किलो दूध एक ब्यांत में उसकी माँ का दर्ज है, और उसी की फर्स्ट टाइमर ये बेटी है लाडली, नामकरण जो किया गया, और वहाँ पर जो वातावरण इनको दिया गया है हो सकता है हूबहू हरियाणा जैसा न दिया गया हो, लेकिन तकरीबन उसी से मिलता जुलता वातावरण इनको दिया गया है। तो गर्मी ज़्यादा है, अगर और लाडली का जो काविंग है वो सितंबर अक्टूबर महीने के आसपास अगर हुई होती, थोड़ा ठंड का समय अगर होता, तो और अच्छा दूध उत्पादन क्षमता हमें लाडली की देखने को मिल सकती है। और एबीसी सीमन बैंक वेरावली के लिए आज भी प्रयासरत हैं राजीव सर कि अगर कोई अच्छी पेडिग्री के साथ अगर कोई काफ हरियाणा में है, अच्छे दूध के साथ, अच्छे मिल्क रिकॉर्ड के साथ, HLDB के तकरीबन 24-25-26 किलो दूध अगर उसकी माँ का है और फादर साइड आपको सुस्पष्ट पता है, तो डिजीज टेस्टिंग करके ये उस कटड़े को खरीदने के लिए 100% तैयार। तो यहाँ पर जो नस्लों का विकास, मुर्रा नस्ल का विकास आंध्र प्रदेश में, जो कि
हरियाणा प्रदेश के बाद मुर्रा नस्ल के विकास में दूसरा उभरता हुआ इसका एक राज्य देखने को जो मिल रहा है, तो काफ़ी खुशी होती है कि इस तरह की नस्लों को अन्य प्रदेश में भले ही ले जाया गया लेकिन वो सुरक्षित हाथों में है और उनका जो विकास है, उनका जो संवर्धन का कार्य वो बराबर हो रहा है। बराबर अरे देखें, इस बार इसके नीचे जो काफ है वो भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, तो दूध पिलाने में और काफ को हेल्दी ग्रोथ करवाने में जो राजीव सरपंच हैं वो काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो एलीट बुल हैं, शुरू में खरीदे गए थे हरियाणा से, अभी जो अगली खेप है वो उन्हीं के फार्म पर ही तैयार हो रही है। एक के बाद एक जो कटड़े हैं वो अभी तकरीबन जो है युवावस्था के आसपास ही हैं और नेक्स्ट जो है वो अब होम ब्रिड बन करके उनकी तैयार हो जाएंगी। तो एबीसी सीमन बैंक के हरियाणा में जो सीमन अवेलेबल हैं डॉक्टर अशोक, और पंजाब में जो अवेलेबल हैं वो दशमेश डेयरी फार्म, मनजिंदर हैं युवा साथी, उनके पास जिला मोगा पंजाब में एबीसी सीमन बैंक के सीमन की उपलब्धता है, और हरियाणा में डॉक्टर अशोक सिंगवा खास वीडियो पहले भी कवर की गई थी, और अगर आप टोटल इनके जो बुल हैं उनकी डिटेल अगर आप देखना जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एबीसी सीमन बैंक के टोटल भीम बुल, अभिमन्यु बुल, चेतन बुल, जितने भी बुल हैं और उनका क्या कुछ मिल्क रिकॉर्ड है, पेडिग्री रिकॉर्ड है मदर साइड फादर साइड से, वो कंप्लीट उस वीडियो में कवर किया गया है। जब पिछले साल राजीव सरपंच जी के फार्म पर जब जाना हुआ उस समय डिटेल में उन्होंने ये वीडियो कवर करवाई थी, तो वो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक डाल दिया जाएगा, अगर आप देखना चाहें कंप्लीट बुल की डिटेल तो वहां से देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो है सुस्पष्ट मैं बताना चाहूँगा, बिना किसी कट बिना किसी पोज के बना करके उन्होंने और ईमेल के ऊपर पोस्ट की थी और वहाँ से आपके सामने इस मंच के ऊपर अपलोड कर दी गई। तो देखें, कोई झिझकने का कोई इस तरह का स्वभाव हमें पूरी मिल्किंग प्रक्रिया में इस भैंस का नहीं देखने को मिला, बिल्कुल शांति से खड़ी है, फर्स्ट टाइमर है और फर्स्ट टाइमर में ही जो दूध के कूप जो विकसित हुए हैं वो काफ़ी अच्छे, और आप इस चीज़ को समझें कि ये जो मिल्किंग हो रही है ये कहीं ना कहीं जो केयर टेकिंग स्टाफ है वो कर रहे हैं, जबकि हरियाणा प्रदेश में जो पशुपालक है वो पूरे समर्पण भाव से उसकी केयर करता है और फिर उसका दूध रिकॉर्ड करवाता है। तो इंडिविजुअल या पशुपालक जब खुद मिल्किंग करता है, खुद देखभाल करता है, और एक जो लेबर या केयर टेकिंग स्टाफ जो करता है उसमें भी फ़र्क होता है, तो एक आधा किलो का सुधार और देखने को मिल सकता है अगर ये इंडिविजुअली किसी अच्छे पशुपालक के खुटे पर अगर होती, अच्छा और थोड़ी बहुत 10-20% सेवा में इसकी बढ़ोतरी या इजाफा अगर करते। तो ये देखें जुगाली जो लेना इसने शुरू कर दिया है मिल्किंग के दौरान, ये इसका जो बिल्कुल जो केयर फ्री जो स्वभाव है, मिल्किंग करवाते वक्त पशुधन अगर जितनी जुगाली लेता है तो आप इस चीज़ को समझें कि वो सामान्य है, बिल्कुल नॉर्मल है। और ये देखें स्टील की बड़ी बाल्टी है ऊपर तक आई है, फर्स्ट टाइमर, महत्वपूर्ण जो बिंदु है फर्स्ट टाइमर, ये देखें जीरो वेट कांटे का, खाली बाल्टी, तो जेंटलमैन टू द कोर राजीव जो सरपंच हैं, कोई लाग लपेट नहीं, जो चीज़ जैसी है वैसी सुस्पष्टता के साथ ये बताते हैं, इसीलिए मेरे जो विचार हैं इनसे व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो ये देखें 9 किलो 140 ग्राम दूध एक समय का फर्स्ट टाइमर का राजीव डेयरी फार्म से लाडली जोटी का।